महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अजीत पवार गुट के विधायक और मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे। बागी गुट ने शरद पवार से आशीर्वाद मांगा और पैर पकड़कर मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। बगावत के 14 दिन बाद बागी गुट के मिलने पहुंचने से राज्य में सियासी चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। सब जानना चाहते हैं कि क्या महाराष्ट्र में अभी और कुछ भी है जो बदलने वाला है। शरद पवार से मुलाकात के बाद पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बातचीत के बारे में बताया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने बताया था कि मुझे सुप्रिया सुले का कॉल आया है। उन्होंने बताया कि सुप्रिया ने तत्काल वाईबी चौहान प्रतिष्ठान पहुंचने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, सुप्रिया ने क्यों बुलाया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अजीत पवार और बाकी विधायक क्यों आए हैं। इस बैठक में बागी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और अन्य नेता भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक नया मोड़ आया था। अजीत के नेतृत्व में एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी थी और एनडीए में शामिल हो गए थे। अजीत समेत 9 विधायक सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने तो बाकी विधायक मंत्री। इससे 2 दिन पहले अजीत पवार शरद पवार के घर भी पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात चचा शरद पवार और छोटी बहन सुप्रिया सुले से हुई थी। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं थी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने मुलाकात की वजह बताई। अजीत का कहना था कि वो अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने और उनका स्वास्थ्य जानने के लिए गए थे। अजीत को अपनी चाची का करीबी माना जाता है। अजीत का कहना था कि ये हमारी परंपरा है कि हम परिवार को महत्व देते हैं। ये मेरे माता पिता ने सिखाया है। मुझे अपने परिवार से मिलने का अधिकार है। मेरी चाची अस्पताल में थी इसलिए मैं उनसे मिलने गया। अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा तो मैं मिलने गया। चचा शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। पवार साहब ने मुझे शिक्षा विभाग के संबंध में एक लेटर दिया है। ये पत्र 2021-22 का है। शरद पवार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आदरणीय भी हैं। मेरे कक्ष में उनकी तस्वीर भी है। उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। बगावत के बाद अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अभी महाराष्ट्र में कुछ और भी बदलता दिख सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।